टू बिलियर्ड बॉल्स ऑफ इक्वल मास 30 ग्राम स्ट्राइक्स ए रिजिड बॉल विद द सेम स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर बट एट डिफरेंट एंगल्स. इफ द बॉल्स गेट रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड देन द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल ए एंड द बॉल बी. ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एक मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो नीट में एज इट इज देते कोई बड़ी बात नहीं है. मेंस और नीट की तब दोनों के इक्वल पॉइंट ऑफ व्यू से जबरदस्त क्वेश्चन है. ठीक है ना, देखिए आप इसके अंदर इसने क्या बोला है कि देखो यहाँ पे ना एक तो ये मास को और स्पीड का कोई रोल नहीं है क्योंकि रेशियो निकालना है अपने को, तो मास तो एम ले लो स्पीड वी ले लो, ये मत सोचो इनके बारे में. ये कोई बच्चा अगर इनको लेके चल पड़ा कैलकुलेशन करने में तो वो बहुत ज़्यादा लॉस में रहेगा, कैलकुलेशन में फंसा रह जाएगा. ठीक है ना, यहाँ पे एक एम मास की बॉल है, स्पीड उसकी वी थी, फिर टक्कर मारने के बाद उसकी स्पीड वापस वी हो गई, एम मास की बॉल वी की स्पीड से गई और वी की स्पीड से वापस आ गई. आगे बात समझ में आपको? अब बताओ इंपल्स कितना लगा इसके ऊपर, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल. ठीक है ना, 2 MV का यार, 2 MV हो जाएगा मैग्नीट्यूड, इंपल्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन के बारे में मत सोचो, 2 MV हो जाएगा. मानते हो कि नहीं मानते? अब एक केस ऐसा है कि दीवार थी, ठीक है, यहां पर ये बॉल है, ये बॉल है, एम मास की बॉल वी की स्पीड है, इसमें भी एम मास की बॉल है वी की स्पीड है, ये वाला एंगल कितना है इस केस के अंदर, 45 डिग्री, ये वाला एंगल भी कितना है यहाँ पे 45 डिग्री. ठीक है, अब एक काम करो इसके अंदर जो है कंपोनेंट ले लो आप इसके, इधर कितना आएगा, एक कंपोनेंट इधर एक इधर, इधर कितना आएगा वी बाई रूट टू, ये भी कितना होएगा ऐसे, इसके दो कंपोनेंट आएंगे एक इधर, ये कितना होएगा वी बाई रूट टू, ये भी कितना होएगा. सुनो ये वाला कंपोनेंट तो एसिटीज है, ये वर्टिकल वेलोसिटी तो पहले भी वी बाई रूट टू के नीचे, अभी भी वी बाई रूट टू नीचे, वास्तव में जो इधर वाली वी बाई रूट थी अब वो इधर होगी वी बाई रूट टू, और जो दीवार ने इंपल्स लगाया है वो बॉल पे इस तरफ लगाया है, नीचे की तरफ कोई इंपल्स नहीं लगाया ना ऊपर की तरफ कोई इंपल्स लगाया. एक्चुअल में इसमें और इसमें कॉमन बात है, इसमें भी बॉल पे इंपल्स इधर लगा और इसमें भी बॉल पे इंपल्स इधर लगा, इसमें कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी थी नहीं बॉल के पास, जो भी थी हॉरिजॉन्टल थी और उसी का वी का इसने इधर वी कर दिया, इसमें इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी भी थी हॉरिजॉन्टल भी थी, तो वर्टिकल वेलोसिटी में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, हॉरिजॉन्टल वाली वी बाय रूट टू इधर होगी वी बाय रूट टू. तो पता है क्या, इसमें जो चेंज इन मोमेंटम अभी भी 2 MV ही आएगा, बस वी की जगह क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे वी बाय रूट टू, इस पर लगा इंपल्स इतना और इसके इसमें इंपल्स लगा इतना, तो रेशियो कितना आएगा यहाँ पे रूट टू रेशियो वन, कितना आंसर आएगा इसमें रूट टू रेशियो वन आंसर आएगा, ये ऑप्शन करेक्ट, दिस अपॉन दिस कर दो आप. हाँ जी बोलो सर, इसमें पहले की वेलोसिटी वी थी और बाद में वी हुई, ऐसा क्यों हुआ कि सेम वेलोसिटी में कुछ लॉस नहीं हुआ? देखो जब पहली बात तो ये कि जब प्रैक्टिकली करोगे कोई भी एक्सपेरिमेंट तो लॉस पक्का होता है, ऐसा हो नहीं सकता प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली कुछ भी तो प्रैक्टिकली जिस स्पीड से टकराए उसी स्पीड से वापस आ जाए, थोड़ा बहुत लॉस पक्का होता है, लेकिन इसने लिख ही दिया तो हमें तो मानना पड़ेगा उसके, इसमें लॉस नहीं हुआ तो नहीं हुआ, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, आगे पढ़ाएंगे उसमें क्या होता है एनर्जी का लॉस बिल्कुल नहीं होता, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन थ्योरेटिकली होता है बस प्रैक्टिकली नहीं होता. आगे बात समझ में आपको? यस, और कोई डाउट किसी के मन में, कोई डाउट है?